आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान विषय में जो अध्याय चल रहा था आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इस आनुवांशिकता एवं जैव विकास में आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति के बारे में। देखिए जीवन की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे मत दिए गए, बहुत सारे पुरातन मत है, जैसे कि उसमें आता है अजीवात जीवोत्पत्ति मत, जो कुछ कारणों से विभिन्न तर्कों के द्वारा जिसको अमान्य घोषित किया गया। फिर उसके बाद विशिष्ट सृष्टिवाद आया कि अर्थात जो पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। उस सिद्धांत को भी जो है विभिन्न जो है परीक्षण या कह सकते हैं विभिन्न जो है अपनी कल्पनाओं या परिकल्पनाओं के द्वारा उसको भी अमान्य किया गया। फिर ब्रह्मांडवाद आया, उसके प्रलयवाद आया। तो ये चारों पुरातन थे, जो चारों पुरातन परिकल्पनाएं थे वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी और उन पुरातन परिकल्पनाओं को अब जो है नहीं मान्यता है। तो इस समय अब किस काल की या किस जो है जीवन की उत्पत्ति के कौन सा मत है जिसको माना जाता है, तो हम लोग कहते हैं जो आधुनिक परिकल्पना है, आधुनिक परिकल्पना, इस आधुनिक परिकल्पना को अब जो है मान्यता दिया गया है। आधुनिक परिकल्पना, आधुनिक परिकल्पना को दिया किसने, ये बात यहां पर आता है कि जो आधुनिक परिकल्पना है यानी जो इस समय मान्य गई है मान्यता है उसकी, उस आधुनिक परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया। इसके अलावा बात करें जो सबसे अधिक जीवन की उत्पत्ति के विषय में सबसे अधिक जो मत मान्य है वो है एआई ओपेरिन का मत। एआई ओपेरिन का मत जो है मान्य है। एआई ओपेरिन ने सबसे पहले 1924 ईस्वी में इन्होंने अपने एक पदार्थवाद या जिसे हम कह सकते हैं या भौतिकवाद के रूप में आधुनिक परिकल्पना दिए। किसके संबंध में, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। तो ये क्योंकि पदार्थवाद या भौतिकवाद, इसको उन्होंने नाम दिया रासायनिक उद्विकास नाम उन्होंने दिया उद्विकास। तो ये जो रासायनिक उद्विकास है इसको इन्होंने पदार्थवाद या भौतिकवाद के भी नाम से कहा एआई ओपेरिन ने। और इन्हीं की थ्योरी जो है, इन्हीं की जो परिकल्पना वो सबसे ज्यादा मान्य है। इनकी पुस्तक की अगर हम लोग बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं जीवन की उत्पत्ति के नाम से इसको जो है जानते हैं। तो इनकी जो बुक था, ये पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीव की उत्पत्ति। और इसी में इन्होंने यह चीज पूरा बताया किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार का एक और मत जो है परिकल्पना जो है आया था और जिसको जो है हैंडल ने दिया था। इसी प्रकार का एक और परिकल्पना जो है आया था जिसे हैंडल ने दिया था, हैंडल ने। और हैंडल का भी जो है इंफोर्म में भी जो है आधुनिक परिकल्पना के उसमें दृष्टिकोण में इनका भी नाम आता है। और हैंडल ने अपनी जो परिकल्पना दी थी आधुनिक परिकल्पना, इन्होंने दिया आधुनिक परिकल्पना किसके संबंध में, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। ये भी जो थी ये 1929 ईस्वी में दिए थे। यहां से एक ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने भी आधुनिक परिकल्पना को ही दिया और इन्होंने दोनों लोग की जो परिकल्पना है एआई ओपेरिन और हैंडल, दोनों लोग की परिकल्पना है एक समान है। दोनों लोग की परिकल्पनाओं में समानता थी, इसीलिए जो आधुनिक परिकल्पना है उसी को मान्यता दिया गया। बस प्रारूप अलग था, वैज्ञानिक अलग थे, लेकिन दोनों लोग की जो परिकल्पनाएं थी वो समान थी। तो ये क्या था, अब अगर हम बात करें एआई ओपेरिन के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि पूरा जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी इस पृथ्वी पर जब उत्पत्ति हुई तो प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि जब प्रारंभ में पृथ्वी का निर्माण हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई स्कूल में नहीं तो उसी हिसाब से मैं इसको देख रहा हूं, अगर जिसको पढ़ना है बहुत डिटेल में वो इसी चैनल पर उपलब्ध है वीडियो ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसको वहां पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इंटर लेवल या कॉम्पिटिशन के लिए है। हाई स्कूल में अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ इसके कुछ जो है क्या क्या इसमें जो है मेन थे।
इसमें इन्होंने पहले था हेडलैंड के जो आधुनिक परिकल्पना थे इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने 8 चरणों में डिवाइड कर दिया, जो पूरी परिकल्पना जो उनकी उत्पत्ति उसको 8 चरणों में डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी एक दहकता हुआ आग गोला था। पृथ्वी पर लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जिसके कारण किसी भी जीव का यहाँ पर रहना संभव नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया, प्रारंभ में इसमें ऑक्सीजन नहीं था, सारे ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिल करके जलवाष्प बनाया, जलवाष्प हुआ, जैसे जैसे जलवाष्प था वो जलवाष्प बादल के रूप में वर्षा हो जाता था और वो पूरा जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता था। ये पूरी लंबी प्रक्रिया, इसमें 8 चरण है, परमाणु अवस्था है, अर्ध तथा सरल यौगिक अवस्था है, फिर जटिल यौगिक है, फिर सर्वट एंड कोलॉइड्स है, फिर उसके बाद प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति होती है और उसके बाद फिर जो है प्रोकैरियोटिक परपोषी जीव की उत्पत्ति होती है, फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक स्वपोषी जीव की उत्पत्ति होती है और उसके बाद यूकैरियोटिक जीव की उत्पत्ति होती है। 8 चरण है, लेकिन इतना हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है। हाई स्कूल में पढ़ना क्या, हाई स्कूल में इतना पढ़ना है कि इसमें स्टैनले मिलर का प्रयोग यहाँ पर इतना क्या होता है ना कि एआई को पायलट था हेल्डन ने जो है आधुनिक परिकल्पना दिए इस जीवन की उत्पत्ति के संबंध में और यही आधुनिक परिकल्पना जो है वो मान्य है। अब इसमें जो इस परिकल्पना को प्रूव किया गया तो इस परिकल्पना को स्टैनले मिलर ने प्रूव किया, इसको मटा देते हैं। इस परिकल्पना को जो आधुनिक परिकल्पना है इसको अपने प्रयोगों के द्वारा स्टैनले मिलर ने इस पर जो है अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्टैनले मिलर का प्रयोग, स्टैनले मिलर का प्रयोग, मिलर का प्रयोग। अगर टेंथ की बात करें तो क्लास टेंथ में जो है जो स्टैनले मिलर का प्रयोग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैनले मिलर का प्रयोग बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना। स्टैनले मिलर का प्रयोग जो है ये उपकरण पर आधारित है, इसके हम लोग चिंगारी उपकरण के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इससे होता है कि चित्र बनाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्लास्क होता है, एक छोटा सा फ्लास्क है ये, और उसके बाद जो है इसको एक यू नली के द्वारा जोड़ दिया गया और इसको ला करके फिर जो है एक बड़ी सी नली के साथ इसको जो है संबद्ध किया गया, लगभग 5 लीटर का फ्लास्क ये हो गया। ये नली हो गई, यह इसके बाद इसमें एक जो है एस शेप की आकृति इसको दिया गया, इस तरह से इसमें एस शेप की आकृति दिया गया। इसको ला करके इसमें जो है जोड़ दिया गया, ये इनका पूरा यहां पर कंप्लीट होता है। इसमें इन्होंने जो है एक पाइप लगा दिया जिससे यहां से एक नली के रूप में यहां से साबित हो रहा है। इस आधे लीटर के फ्लास्क में यहां पर एक उबलता हुआ जल दिया गया, जल के उबलने का प्रबंध किया गया यहां पर, तो ये यहां से जो है इसको उबाला गया। ये जो 5 लीटर का फ्लास्क है ये 5 लीटर का है, ये आधे लीटर का लिया उन्होंने। 5 लीटर के फ्लास्क में यहां पर जो है 2 टंगस्टन के तार लगा दिए जिसको इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, एक प्लस और एक माइनस। ये टंगस्टन का जो तार है ये यहां पर कह सकते हैं विद्युत धारा उत्पन्न की जाएगी इसके द्वारा,
लगभग 5000 वोल्ट की विद्युत धारा यहां पर दिया गया है। इसके साथ में इसमें कुछ गैस का मिश्रण दिया गया, जैसे कि इसमें जो है मेथेन हो गया, इसके बाद अमोनिया हो गया और हाइड्रोजन लिया गया। असल में जो मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन था, इसको भी यहां पर ध्यान देंगे, जो मेथेन है, मेथेन और अमोनिया और जो हाइड्रोजन है, इसका अनुपात 2:1:2 लिया गया। इस चीज को भी ध्यान देना है, 2:1:2 लिया गया। अब इसको यहां पर एक वैक्यूम लगा दिया गया कहीं पर, ठीक है, जिससे कि मान लेते हैं अगर बहुत गर्म हो तो फटने ना पाए। यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि ये इसमें सुई होती है, जब इससे कोई पदार्थ इस फोटो गुजरेगा तो सुई इंडिकेट करने लगी, यानी अर्थात यहां से वाष्प जा रहा है। इसके बाद अगले यहां पर यही पर जो है कूलर में ठंडा करने के लिए ये प्रयोग किया गया। इसको कूलम कहा गया, यानी शीतलक, शीतलक यहां। तो इस तरह से सब कुछ देखने क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जब इसको गर्म किया गया तो इसमें जलवाष्प था, ये जलवाष्प अब यहां से निकलना शुरू हुआ और ये जलवाष्प ऐसे होते हुए इस नली के द्वारा होते हुए ये पहुंचता है, इसके होते हुए इस बड़े से फ्लास्क में पहुंचता है, 5 लीटर के फ्लास्क में। जैसे चित्र बनाया गया है वैसे वैसे लिखना है कि इन्होंने अपने प्रयोग में एक आधे लीटर का फ्लास्क लिया, जिसको एक यू नली के द्वारा 5 लीटर के फ्लास्क से जोड़ दिए। उस 5 लीटर को एक जो है सिग्मोइड यानी एस आकृति के नली से जोड़ा गया, जिसमें प्रातरण को प्राप्त करने के लिए वहां पर जो कुछ टैप यानी टोटी का प्रयोग किया इन्होंने। अब जब इसमें पहुंचा तो ये यहां पर पहुंचा जलवाष्प, ये क्या पहुंच गया यहां पर, ये सब पहुंचे यहां पर जलवाष्प। इस चीज को ध्यान देना, यहां ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं था। अब ये यहां पर जब पहुंचता है तो ये इसकी कुछ क्रिया होती है और ये जो यहां पर देख रहे टंगस्टन का जो तार दिया गया, इलेक्ट्रोड दिया गया है, ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, जिसके कारण यहां पर लगातार चिंगारी मुक्त होगी। क्योंकि प्राचीन समय ऐसा था कि लगातार जो है विद्युत धारा, वो लगातार बिजली जो कड़क रही थी और बारिश हो रहा था, तो यहां पर इन्होंने क्या दर्शाया, ये बारिश हो रही है लगातार इस चीज को। दूसरा इन्होंने दर्शाया कि जो बिजली कड़क रही है, उस बिजली कड़कने के लिए यहां पर इन्होंने टंगस्टन का तो तार दे दिया। और उस समय वहां पर अधिकता थी सरल यौगिकों की, तो सरल यौगिक में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन की सबसे अधिकता वहां पर थी उस समय प्राचीन समय में। तो वह यहां पर जब पहुंचता है जल, तो इन सबसे क्रिया होती है और क्रिया होने के बाद फिर यहां पहुंचता है। अब ये पूरी तरह से एक वाष्प के रूप में होता है और ऐसी जो पूरी प्रक्रिया है ये एक सप्ताह तक किया गया, यानी एक सप्ताह तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए करते गए। तो एक सप्ताह तक विद्युत धारा प्रवाहित करते गए, इधर से जल लगातार जो है ऊपर की ओर जाता रहा, जल वाष्प के रूप में वहां पर रिएक्शन होता रहा। और जैसे शीतलक में अब ठंडा हो गया, जब उसको अचानक शीतलक में मिलाएंगे तो ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर के अगर यहाँ पर जल की बूंद के रूप में परिवर्तित हो गया और ये आकर के यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब ये जल की बूंद इन्होंने प्राप्त किया है, इस जल की बूंदों में इन्होंने देखा कि एक हल्का सा तरल गंदला लाल सा पदार्थ यहाँ पर दिखाई दिया। किस रंग का था, तरल गंदला लाल पदार्थ प्राप्त हुआ। इस पदार्थ में क्या क्या था, तो इन्होंने जब इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल था, अमीनो अम्ल प्राप्त हो गया बहुत सारे। इसमें जो है शर्करा भी था, शर्करा की भी मात्रा इसमें जो उपस्थित है, तथा कुछ कार्बनिक तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ भी थे। तो ये इसमें जो है तरल पदार्थ प्राप्त हुआ।
अगर हम देखें तो जो अमीनो अम्ल होता है ये प्रोटीन की एक अलग इकाई होती है, शर्करा भी निर्माण होता है, यानी ये जो पदार्थ है ये जीवों के विकास जैसे हम लोग के शरीर में है, हम लोग के शरीर में भी यही सारे पदार्थ मिल करके बना है। तो अतः यहाँ पर सिद्ध किया कि जो ओपेरिस ने थ्योरी दिया था, हेल्डे ने जो थ्योरी दिया था, वो इन्होंने जो है अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया कि वो वास्तव में पहले हमारे इस पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस जीवन की उत्पत्ति में बहुत सारे निम्न वर्ग के जो है जंतु निर्माण हुए, लेकिन प्रारंभ की बात करें तो इन्होंने माना कि सभी जीव की उत्पत्ति एक रासायनिक उद्विकास के द्वारा हुई है। यानी सबसे पहले यहाँ पर परमाणुओं का निर्माण हुआ, फिर अणुओं का निर्माण हुआ, फिर सरल यौगिकों का निर्माण हुआ, जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, धीरे धीरे क्लोराइड क्वेसरबेट बने, प्रारंभिक जीव बने, इस तरह से लगातार एक रासायनिक उद्विकास के द्वारा जीवों की उत्पत्ति हुई। इन्होंने जो अपना प्रयोग है स्टैनले मिलर ने, इन्होंने अपना प्रयोग अपने जो गुरु थे हेरोल्ड यूरे इनके मार्गदर्शन में इन्होंने किया था। ये जो पूरा प्रयोग है इन्होंने हेरोल्ड यूरे के मार्गदर्शन में किया था। अगर इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इस तरह से कि स्टैनले मिलर ने अपने आचार्य, अपने गुरु हेरोल्ड यूरे के निर्देशन में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अपना जो प्रयोग है, अपने जीवन की उत्पत्ति को, जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए अपना जो प्रयोग है वह एक उपकरण सिद्धांत पर इन्होंने किया। अपने उपकरण में इन्होंने आधा लीटर का एक फ्लास्क लिया जिसको जो है यू नली के द्वारा बड़े 5 लीटर के फ्लास्क से जोड़ दिया गया। आधे लीटर के फ्लास्क में जल, उबलता हुआ जल दिया गया, कि 5 लीटर के फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन को 2:1:2 के अनुपात में लिया गया। साथ में उसमें टंगस्टन के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, टंगस्टन के तार वहां पर लगा दिए गए जिससे लगातार 1 सप्ताह तक उस पर चिंगारी दिया गया। फिर 1 सप्ताह के बाद धीरे धीरे जब वो जो वाष्प था वो आगे की ओर बढ़ता है तो शीतलक में जैसे पहुंचता है ठंडा हो जाता है, और उस ठंडे पदार्थ को जब प्राप्त किया गया तो वो जो है लाल तरल गंदला पदार्थ था जिसमें विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल शर्करा था, कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते थे। अतः सिद्ध होता है कि सभी जीवों की उत्पत्ति एक रासायनिक उद्विकास के द्वारा हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो जीवन की उत्पत्ति है हम कह सकते हैं जीवन की उत्पत्ति एक रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप हुई, निम्न स्तर से उच्च स्तर के जीवों की उत्पत्ति हुई, प्रारंभ में सरल यौगिकों, सरल अणुओं, सरल जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर धीरे धीरे उनमें जटिलता आती गई और एक जटिल जीव की उत्पत्ति होती। तो इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आप लोग पढ़े। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।